जब यह जीवाश्म मिला तो सनसनी मच गई। यह एक ऐसा डायनासोर था जिसके पूरे शरीर पर पूरी तरह से विकसित पंख थे। हालांकि यह उड़ नहीं सकता था, लेकिन संभव ग्लाइड पंख ने साबित कर दिया कि डायनासोर और पक्षियों ने एक ही समूह का गठन किया। कॉडिप्टेरिक्स के पेट में पथरी भी थी, जिसे गैस्ट्रोलिथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह शायद पौधों और जानवरों को खाती थी। गैस्ट्रोलिथ का उपयोग पौधों को कुचलने के लिए किया जाता था। यह अर्ली क्रेटेशियस काल में रहता था और मीट और पौधे दोनों खाता था। यह 3 फीट लंबा था और इसका पहला जीवाश्म 1998 में चीन में मिला था।